को एक 25 लाख डिमांड का मैसेज आया, जिसपे वो मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया। उसके बाद आज उसने मुझे 70 लाख की डिमांड की। 50 लाख रुपया दुर्गा मंदिर के पास पहुंचा दीजिए। भागलपुर में अपराधियों का अपराध इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है कि उन्हें प्रशासन का थोड़ा भी खौफ नहीं है। कुछ दिन पहले ही एसएसपी बाबूराम ने पदभार संभाला और बड़े रंगदारी और लूटकांड का मामला सामने आ गया। बताते चले कि डॉक्टर विकास शर्मा, जो कि एक न्यूरो चिकित्सक है, उनका क्लिनिक एसएम कॉलेज रोड में ओम न्यूरो सेंटर के नाम से है। साथ ही साथ 0 माइल के सीएनएम हॉस्पिटल में भी वो मरीजों को देखा करते हैं। 6 जनवरी को दोपहर में रजिस्टर्ड डाक से क्लिनिक में 50 लाख रंगदारी वाली चिट्ठी मिली, जिसमें 25 जनवरी को नवगछिया के तेतरी के पास रकम पहुंचाने को कहा गया है। साथ ही नहीं पहुंचाने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जिस लिफाफे में चिट्ठी भेजी गई है उसमें प्रेषक अपना नाम रजनीश यादव, पता तिनटंगा लिखा है। उस लिफाफे में जो मोबाइल नंबर अंकित है, पुलिस के अनुसार वो नंबर कटिहार का है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के भाई विष्णु शर्मा, जो हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के संचालक हैं, उनसे भी 6 जनवरी को दोपहर और 7 जनवरी की सुबह व्हाट्सएप नंबर 7827182949 के जरिए अपराधियों ने 50 लाख रुपये का डिमांड किया है। यह नंबर पटना का बताया जा रहा है। यह डिमांड मैसेज के द्वारा लगातार 2 बार की गई और उन्हें भी रकम नहीं पहुंचाने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। ज्ञात हो कि इससे पहले नवंबर 2017 में डिप्टी मेयर राजेश वर्मा को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर विकास शर्मा ने कहा कि मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना ही मेरे द्वारा कोई पेशेंट की मृत्यु हुई है, फिर भी मेरे से इस तरह की रंगदारी मांगना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 तारीख को रजिस्टर्ड पोस्ट से एक लेटर आया था, उसमें जैसे लिखा हुआ है कि कोई पेशेंट का ये हो गया तो आप उनको 50 लाख रुपया तेतरी दुर्गा मंदिर के पास पहुंचा दीजिए 25 जनवरी को, नहीं तो आपको परिवार को हानि पहुंचाएंगे, ये सब लिखा हुआ है। बाकी तो कैसे आया ये सब तो हम लोग को आइडिया नहीं, कौन भेजा है। पहले भी कभी ऐसा कोई नहीं ऐसा कोई पेशेंट से भी हम लोग का कोई ऐसा नोकझोंक नहीं हुआ है कि जैसे कोई पेशेंट डेथ हुआ हो या कोई आपके बताया हो, ऐसा तो कुछ अभी इधर से तो नहीं हुआ। क्या शक लगता है सर? तो हमको लग रहा है कि वही पैसा का डिमांड है कोई होगा, उसमें तो एड्रेस और ये सब दिया हुआ है उसका, लेकिन लगता है फेक एड्रेस ही होगा, फोन नंबर भी है। पुलिस को हम लोग FIR कर दिए हैं, पुलिस अपना इंक्वायरी करेगी। साथ ही डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के भाई विष्णु शर्मा ने भी कहा कि जो भी इस तरह रंगदारी वाली बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्त में लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या मांग की गई और कौन लोग थे और किस माध्यम से मांग की गई है रंगदारी की? कल 9 नंबर से 3:10 के अप्रॉक्स हमको एक 25 लाख डिमांड का मैसेज आया, जिसपे वो मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया और 25 लाख डिमांड दिया, जिसका FIR मैंने कोतवाली थाना में कर दिया था रात को। उसके बाद आज उसने मुझे 70 लाख की डिमांड की और जान से मारने और मेरे बच्चे को उठाने की धमकी, दुकान में घुस के मारने की धमकी, ये सारी चीज़ें वो मुझे मैसेज के माध्यम से कर रहा है। इससे पूर्व भी आपको धमकी मिली थी कि आपके परिवार को क्या लगता है कौन हो सकता है, किसी क्या आशंका जाए? इसके पूर्व मेरे परिवार को आज से 6-7 महीने पहले मिली थी, उसमें दोषी जो थे वो पकड़ाए भी थे और इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में क्या मांग रहेगी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से? कि बस जल्दी से जल्दी जो अपराधी है इसे पकड़े और इस पे जो ठोस से ठोस कार्रवाई हो वो करे। बताते चले कि दोनों मामले में क्रमशः कोतवाली और बरारी थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। पुलिस का खौफ इस कदर अपराधियों के अंदर समाप्त हो गया है कि केस दर्ज होने के बाद भी बदमाश के मैसेज लगातार आ रहे हैं। अब पुलिस के लिए भी यह खुली चुनौती है कि इसे किस तरह देखते हैं। वहीं डॉक्टर विकास शर्मा SSP बाबूराम से मिले और उन्होंने पूरी जानकारी दी। केस दर्ज कराने में 1 दिन की देरी पर SSP ने बरारी थानेदार अमित कुमार की भी क्लास लगाई। अब देखना यह है कि प्रशासन इसे किस तरह लेती है और किस तरह इसकी गुत्थी सुलझती है, या फिर और केस की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।